जी सर, आपने बुलाया मुझे। क्या हुआ है सर, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया। क्या कह रहे हैं आप सर, मैंने क्या किया है? ठीक, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं बता देता। तुमने हमारे कंपनी के डिजाइन्स, विच वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, हमारे कंपेटिटर्स को ईमेल किए। मैंने ऐसी कोई ईमेल नहीं की है सर। मुझे हवा में बात करने का कोई शौक नहीं है। सबूत है मेरे पास। कैसा सबूत? देखिए, सर, ये ईमेल मैंने नहीं भेजी। क्या ये ईमेल आईडी आपकी नहीं है? सर, ये आईडी मेरी ही है, लेकिन ये ईमेल मैंने नहीं सेंड की है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो अब आपको पता होगा ना। यकीनन आपने कोई बेनिफिट लिया होगा। बताइए, दूसरी कंपनी को कितने में बेचे आपने हमारे डिजाइन्स? जवाब दीजिए मिस निम्रा। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। हैरत हो रही है मुझे आप पर। मैंने आपको सबूत भी दिखा दिए और आप फिर भी इनकार कर रही हैं। बजाय इसके कि आप मुझसे माफी मांगे, आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही सर, और ना ही मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा कि ये ईमेल आईडी मेरी है, लेकिन ये ईमेल किसने और क्यों भेजी है मुझे नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इस ऑफिस पे। उसका भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आप अपने रूम में जाइए। I said leave. ये मतलब तो मेरी ही आईडी से की गई है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जिस वक्त ये ईमेल की गई है, उस वक्त तो मैं ऑफिस में ही नहीं थी। इसका मतलब है किसी ने मेरी गैर, एक मिनट सर, मुझे आपसे बात करनी है। अब बात करने को बचा ही क्या है? बहुत कुछ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? यही कि निम्रा मैम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तो ना हर किसी से हमदर्दी हो जाती है। देखा नहीं, बॉस ने आज खुद प्रूव कर दिया। बस ये निम्रा जो है ना, पहले दिन से ही मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। अभी तक सबने वही सुना है जो सुनाया गया है। अब सब वो देखेंगे और वो सुनेंगे जो सच है। कही है। आपको क्या कहना है? यहाँ नहीं, अंदर चले। आपने जो कहना है इधर ही कह दीजिए। मुझ पर इल्जाम सबके सामने लगाया गया है, तो मैं अपनी सफाई भी सबके सामने ही दूंगी। प्लीज सर। ये देखो, फिर से आ गई एक नया तमाशा करने। हाँ, मैं फिर से आ गई खुद पे लगे इल्जामों को गलत साबित करने। आप लोग प्लीज बैठे। अब से कुछ देर पहले मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने इस ऑफिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन्स किसी दूसरी कंपनी को ईमेल किए। ये बात सच है कि ये ईमेल मेरी ही आईडी से गई है, लेकिन ये ईमेल मैंने नहीं किए। आपने नहीं की तो फिर किसने की है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई हूं कि यहां कोई तो है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल है, ये रहा। क्या ये है? इसमें वो ईमेल है
जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, जो कि मेरी आईडी से की गई है। जाहिर है, जब ईमेल आपने की है तो आप ही के लैपटॉप में होगी ना। तो आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि ईमेल करके उसको डिलीट किए बगैर अपना लैपटॉप खुला छोड़ के घर चली जाऊंगी? क्या कहना चाहती हैं? यही कि ये ईमेल मैंने नहीं की है। जिस वक्त ये ईमेल की गई है उस वक्त मैं ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करें और देखें कि मैं किस वक्त ऑफिस से गई, और फिर इस ईमेल का टाइम चेक करें कि ये ईमेल कितने बजे सेंड की गई है। आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। और अगर फिर भी किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं तो मेरे कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज निकालें और देखें कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कौन आया था। शुक्र है अल्लाह का आपकी तबीयत बेहतर हो गई। बस अब और नहीं खाऊंगा, दिल नहीं चाह रहा। अरे थोड़ा सा खा लेना, आपने रात से कुछ नहीं खाया। अरे तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा, अभी नहीं खाऊ। चले जैसे आपकी मर्जी, मैं आपके लिए यखनी चढ़ा दू। ठहरो, एक बात पूछूंगा, झूठ नहीं बोलना, सच सच बता। जी पूछिए। निम्रा आई थी क्या? नहीं। मैंने कहा है सच सच, सच सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी थी, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। बोलो, आई थी ना? क्या लेने आई थी वो यहाँ? सारा से आपकी तबीयत का उसे पता चला, देखने आई थी आपको। क्या रिश्ता है उसका मेरे साथ जो मेरी तबीयत का पूछने आई थी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी देखने आई थी। मैंने कहा ना कि वो मेरी कुछ नहीं लगती, आइंदा अगर मैं मर भी रहा हूँ ना तो उसको इस घर में कदम नहीं रखने देना, और आइंदा अगर मुझे पता चल गया कि वो इस घर में आई है तो मैं वो कर गुजरूंगा, फिर तुम सब लोग पछताओगे। अम्मी क्या है? मैं माहिन के घर जा रही हूँ। माहिन कौन? बताया तो था आपको, जिसके वो पुलिस में नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, लेकिन तू उससे क्यों मिलने जा रही है? अम्मी उसकी अम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, उनकी अयादत को जा रही हूँ। अयादत के लिए? इतनी बंठन कर, इतना बंठन कर तो कोई शादियों में भी नहीं जाता। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, मैं तो बस ऐसी तैयार हो गई हूँ। माँ हूँ मैं तेरी, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जुनेद से मिलने जा रही है ना? नहीं अम्मी, मैं तो माहिन के घर जा रही हूँ। माहिन से? माहिन ने तुझे मिलने के लिए मॉल बुलाया है। मॉल? सब जानती हूँ मैं, तू कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है। अम्मी आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? मुझे सब पता चल जाता है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। तो क्या मम्मी आपको अपने इल्म से सब कुछ पता चल जाता है? कहा ना, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। जहां मैं नहीं होती वहां मेरे जराए होते हैं। अम्मी जब आप सब कुछ जानती तो प्लीज मुझे जाने दें, मैं थोड़ी देर में जुनेद से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, जाके कपड़े बदलो, हंडिया चढ़ा। अम्मी एक बार मिलकर आने दें। अम्मी आप जो बोलेंगी ना मैं सब करूंगी, अब पता है आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगी। अम्मी छोड़ मेरा पाँव, पहले मेरे घुटनों में दर्द है, ऊपर से इतने सख्त हाथ लगा रही है। अब ठीक है अम्मी? नहीं दबवाने मुझे तुझसे पाँव,
मैं चली जाऊं। दफा जा। अम्मी सच बताए मैं जाऊं? लिख कर दूं क्या? मेरी अच्छी अम्मी, जल्दी आ जाना। बस अम्मी मैं यूं गई और यूं आई। अब खड़ी क्यों है, जा। अम्मी अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, जिससे मिलने जा रही है उसी से कह तुझ पर खर्च करे। वो ही खर्च करेगा, आप रिक्शे का किराया तो दे दें। ये पकड़, बाकी के पैसे मुझे ला कर देना। जी अम्मी ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दफा हो जा। कर भला वो भला। वापिस ले आए मोबाइल अपना। मोबाइल? ओ हाँ ले आया वापिस। क्या कर रहे थे अभी तुम? कुछ नहीं सर, बस टाइम पास कर रहा। गेम खेल रहे थे ना? सर इतनी अच्छी गेम है मोबाइल में, इतना अच्छा टाइम पास होता है। आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दूं, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। नाम बताऊं? हम ऑफिस में काम करने आते हैं, मोबाइल पे गेम खेलने या एंजॉय करने नहीं। सर टाइम पास तो करना ही था ना, कुछ है नहीं। ऑफिस का टाइम ऑफिस ही का होता है और हमें सैलरी इसी चीज की दी जाती है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। सर ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करने के लिए कुछ होगी तो सही। ओके मैं शुक्रा। जी सर। कल की जो असाइनमेंट है उसकी सारी डिटेल्स इन्हें दीजिए और तुम पूरी काउंटिंग करके एक रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट करो। यू कैरी ऑन विद हिम। ओके आप आइए मेरे साथ। ठीक है मैं जोया, हम इसको थोड़ी देर में कंटिन्यू करें। क्या ये? मेरा रेजिग्नेशन है। वजह जान सकता? आप वजह पूछ रहे हैं? क्या नहीं पूछ सकता? आपकी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मैंने, मुझे नहीं लगता कि इस हरकत के बाद मुझे इस ऑफिस में जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। इसका फैसला ये कंपनी करेगी, आप नहीं। फिलहाल आप अपने रूम में जाएं और भूल जाएं जो कुछ भी हुआ। नहीं भूल सकती मैं, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है और आप कह रहे कि मैं भूल जाऊं। हैरत है कि आप इल्जाम से घबरा रही है। जानती थी मैं आपको कभी भी मुझ पे तंज करने का मौका मिलेगा तो आप जाया नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। बात करने का वक्त गुजर चुका है। जहां पे ट्रस्ट ना हो ना, मैं वहां पे जॉब नहीं कर सकती। मैं आपका ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता। आप ऐसे ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकते। आप एक्सेप्ट करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फैसला बदल नहीं सकता। बदलेगा, तुम्हारा ये फैसला भी और तुम्हारी ये सोच भी। आज तो तुम जा रही हो लेकिन वापस जरूर आओगी।
गलत फहमी है आपकी। मैं इस ऑफिस में कभी वापस नहीं आऊंगी। आने में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मसला क्या होगा? ये तो तुम ना मेरी हर बात को गलत समझती हो। मैं कह रहा था कि घर में क्या भूल के आई हो, क्या बहाना करके आई हो घर में? यही कि अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी से दोबारा बात की हमारी शादी की? उन्हें मनाने की कोशिश की भी या नहीं? कोशिश बहुत की लेकिन लेकिन क्या? अभी मान के नहीं दे रही, बस एक ही जिद पे अटकी हुई। क्या? वो मेरी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। फरजाना मुझे पता है सब, और मैं बहुत कोशिशें कर चुका हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे तो मत कहो, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो फिर मेरा क्या होगा, हमारी मोहब्बत का क्या होगा? चल, तुम परेशान हो, मैं मम्मी से बात करूंगा, तुम मनाने की कोशिश करूंगा। मैं सुनकर एक बात पूछूं तुमसे? आंटी का क्या नाम है? आंटी? आप तुम्हारी अम्मी? ओहो अम्मी, अम्मी का क्यों पूछ रही हो ना? आप मैंने बस वैसे ही पूछ लिया, अम्मी ने इस्तखारा करना था। अगर तुम्हें नहीं बताना है ना तो फिर ना बताओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी का नाम नसरीन। अच्छा, और मेरी अम्मी का नाम सुरैया। बता चुकी हो तुम, मुझे याद है। अच्छा तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। वैसे अक्सर लोगों को अपनी नानी का नाम पता नहीं होता है। भाई लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अपनी नानी का नाम याद है। तो फिर क्या नाम है? नानी का नाम क्यों पूछ रही हो? वैसे मैं देखना चाह रही थी कि तुम्हें अपने बुजुर्गों का नाम याद है या नहीं। रोजाना बोल चुका हूँ मुझे अपनी नानी का नाम याद है। आप याद है तो फिर बताओ। भाई शमीम नाम है नानी का बस। ओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर तो कर दो खाने के लिए। खाने के लिए मंगवाता हूँ कुछ। वेटर। इसीलिए तो खुद को खत्म करना चाह रही थी कि मैं जानती हूँ मैंने सबके सर झुका दिए। किसने कहा कि तुमने सबके सर झुकाए? मैं मानता हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एक और गुनाह करे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में घसीटने की? मैं इनकी बहू हूँ। ये बड़ों का मामला है, बेहतर है दूर रहो। यस सर, मैं कमिन। आओ। हो गई काउंटिंग? दिखाओ मुझे। ये क्या है? मिस इकरा ने ऐसे बताया था तुम्हें? कितने कलर की कितनी जैकेट्स हैं, कॉलर वाली कितनी है, गोल्ड कॉलर वाली कितनी है? ये क्या 800 की जगह 790? क्या तुम्हें काउंटिंग भी नहीं आती? मुझे नहीं करना ये काम। क्या कहा तुमने? मुझसे नहीं होती है काउंटिंग वाउंटिंग। तो फिर क्या करोगे, हम तुम्हें गेम खेलने की तनख्वाह दें? मुझे ये नौकरी ही नहीं करनी।
क्यों नहीं करनी नौकरी? मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। अभी तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है, अशरफ भाई का लिहाज किया है और मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी बाइक वाइक कोई खराब नहीं हुई थी और ना ही तुमने कोई काम करवाया है, झूठा बिल बनाकर लाए थे। मैंने फिर भी कहा चलो जाने दो, पेमेंट करवा दी। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत का एहसास है और ना ही अपने ससुर की इज्जत का। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? बात बात पे तो जलील करते रहते हैं, पता नहीं कैसे इज्जत देंगे। मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी। जल्दबाजी मत करो, छोटी सी बात को अन्ना का मसला बना के नौकरी छोड़ने की बेवकूफी मत करो। सर मैं बेवकूफी कर रहा हूँ या समझदारी का काम कर रहा हूँ, ये आप मुझ पे छोड़ दें। आपको आपकी नौकरी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है, आज तुम जल्दी आ गई। मेरा मतलब है तबीयत तो ठीक है ना? जी। तो फिर जल्दी क्यों आ गई? मैंने जॉब छोड़ दी। क्या, तूने नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? मुझे वहां जॉब नहीं करनी। महारानी का दिमाग फिर से सातवें आसमानों पर चढ़ने लगा। लगता है इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़े। कर भला हो भला। आपकी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मैंने। मुझे नहीं लगता कि इस हरकत के बाद मुझे इस ऑफिस में जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। आप एक्सेप्ट करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फैसला बदल नहीं सकता। आज तो तुम जा रही हो लेकिन वापस जरूर आओगी। गलत फहमी है आपकी, मैं इस ऑफिस में कभी वापस नहीं आऊंगी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। क्या हुआ, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? Is everything all right? निम्रा ने रिजाइन कर दिया। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। शुक्र है, फाइनली तुम्हारी जान तो छूटी उससे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं? यही तो मैं नहीं चाहता था। सोचा कुछ तो और वो कुछ और। क्या सोचा था तुमने? मैंने उसके खिलाफ एक गेम प्लान की थी, इल्जाम लगाया था उसमें, सबके सामने बेइज्जत किया था। फिर तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा, यही चाहते थे ना तुम? चाहता तो यही था मगर। मगर? मगर क्या? मगर इस दिल को अभी भी सुकून नहीं आ रहा। मैंने उसको बेइज्जत भी कर लिया, सबके सामने नीचा भी दिखा दिया, लेकिन अभी भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। पता है ये सब करने के बावजूद फिर भी उसके मिजाज में कोई फर्क नहीं आया। कुछ कहा उसने? सबके सामने अपनी सफाई पेश करके चली गई, वो भी सबूत के साथ, अपना रेजिग्नेशन मेरे हाथ में देकर चली गई। मगर उसे तो इस जॉब की जरूरत थी। मुझे भी यही लगता था कि कुछ भी हो जाए अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, लेकिन इन तमाम मजबूरियों के बावजूद अपने आप को बेकसूर साबित करके मेरी नौकरी मेरे मुंह पर मार के चली गई। मेरे दिल को बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा, मैंने उसको वापस नहीं लूंगा।
उसको वापस आना होगा। मुझे कुछ करना है उसके साथ। क्या करना चाहते हो उसके साथ? कुछ इतना बड़ा कि उसका गरूर हक में मिल जाए। फिर ही मेरे दिल को सुकून आएगा। तुमने हमारे कंपनी के डिजाइंस, which were extremely confidential, हमारे कंपेटिटर्स को ईमेल किए। बताइए दूसरी कंपनी को कितने में बेचे आपने हमारे डिजाइंस? मैं जानती हूँ दोपहर से भूखी हो तुम। मेरी बेटी को भूख लगी होगी ना? चलो शाबाश, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं है? क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या सोच रही हो? देखो नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन बता दोगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वजह से झगड़ा हुआ है? आपको कैसे पता चला? बस अंदाजा लगाया मैंने। क्या सच में झगड़ा हुआ है? जाहत ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसकी कंपनी को चीट कर रही हूं, धोखा दे रही हूं। क्या समझी नहीं मैं? उसे लगता है कि मैं उसकी कंपनी के डिजाइन्स किसी और कंपनी को भेज रही हूं। उसने ना सिर्फ मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है बल्कि मुझ पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। तौबा तौबा, ये किया है उसने? तो फिर तुम उसे बताकर आई हो कि नौकरी छोड़ रही हो या ऐसे ही घर आ गई हो? बताकर आई। रेजिग्नेशन मेरा मतलब है इस्तीफा देकर आई उसे। मुझे अब उसके दफ्तर में काम नहीं करना। खैर दफा करो, गोली मारो उसे। जो होना तो हो गया, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। तुम राशिद को मत बताना कि तुम वजाहत के पास नौकरी कर रही थी। 100 सवाल जवाब करेगा और अगर उसे पता चल गया तो उसके और तुम्हारे दरमियान फासले बढ़ जाएंगे। कब तक छुपाऊंगी उसे? कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना उसे। जब वक्त आएगा मैं खुद बोल दूंगी तुम्हें उसे बताने के लिए। अभी मुनासिब वक्त नहीं है। राशिद को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। फजूल में शक करने लगेगा तुम पर। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे बच्चा खाना खाओ। सुबह से भूखी प्यासी फिर रही है। चलो शाबाश मेरा बच्चा, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से निवाले खिलाती हूँ। चलो खाओ। अम्मी अम्मी, भूख लग रही है बहुत, खाना दें। क्या हुआ, दफ्तर से जल्दी कैसे आ गए हो तुम?
कहीं फिर से नौकरी तो नहीं छोड़ दी तुमने? नहीं, वो जो बात पूछी है उसका जवाब दो मुझे। अरे भाई, नौकरी क्यों छोड़कर आऊंगा, सब निकल आए थे ऑफिस से, इसलिए मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं, घर आके खाना खा। अरे तुम कब आई? मैं तो सोच रहा था अभी तुम्हें ऑफिस लेने आऊंगा। वो निम्रा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए दफ्तर से जल्दी आ गई, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। क्या हुआ तबीयत को? सर में दर्द है या कुछ और है? हाँ हाँ, सर में दर्द है, दवा खाई है उसने, हो जाएगा ठीक। अब तुम तो उसका बिलावजा सर ना खाओ। तुम अकेले आई हो या ड्राइवर छोड़ के गए? अरे ड्राइवर के साथ ही आई है, और किसके साथ आना था? कल क्या करूँगी मैं तो कहता हूँ कल ऑफिस मत जाओ, आराम कर लो, है ना? निम्रा बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये फजूल में सर खाता रहेगा और सर में दर्द हो जाएगा। जाओ शाबाश। उसे क्या घूर घूर के देख रहे हो, खाना खाओ, अपना शोर मचाया हुआ था कि भूख लगी है। अरे दाल बना ली आपने, मेरा ऑफिस का पहला दिन था, कुछ अच्छा बना लेती। और जो घर पर नहीं थी, अरे जो समझ में आया मैंने बना लिया। क्यों, कहाँ गई फज्जू? वो अपनी दोस्त माहीन की तरफ गई है। क्यों, उसकी तरफ क्यों गई? असल में उसकी अम्मी ने हज पर जाना था ना, उसकी अम्मी से मिलने गई है। अकेले गई है, आप छोड़कर आई है? अकेली क्यों जाने दूंगी, जवान जहान बच्ची है, टांगे नहीं तोड़ दूंगी, खुद छोड़कर आई। सब बातें छोड़, खाना खा, ठंडा हो रहा है, पानी लेकर आ रही हूँ। दाल बना दी आपने, कल का कोई सालन पड़ा है चिकन का? सारा फज्जो ने खा लिया था, यही है, चुपचाप खा ले। किसकी कॉल आ रही है? अम्मी की कॉल आ रही है, मुझसे बात करके आ रही हूँ, तुम कुछ बोलना नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ है तू, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? अम्मी बस मैं रास्ते में हूँ, एक डेढ़ घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। एक डेढ़ घंटा? क्या हैदराबाद से आ रही है? राशिद घर आ गया, जल्दी घर पहुँच। अम्मी रक्शे में हूँ, बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। झूठ तो कम से कम वो बोल जिस पर मुझे यकीन आ जाए। माँ हूँ तेरी, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ तो इस वक्त किसके साथ सैर सपाटे करती फिर रही है, जल्दी घर पहुँच। अच्छा ना अम्मी, जब आप जान ही गई हैं तो एक घंटा और दे दें। एक घंटा? आधा घंटा भी नहीं दूँ। राशिद जब से आया है तेरे बारे में कितनी बार पूछ चुका है, अगर राशिद को जरा बराबर भी शक हो गया ना तो तेरी शादी जुनेद से नहीं हो सकेगी। जल्दी घर पहुंच। अच्छा अम्मी, बस बस मैं आ रही हूँ। जुनेद जल्दी आओ, जुनेद जुनेद हमें फौरन घर जाना होगा। तुमने तो कहा था शाम भर मेरे साथ रहोगी। अम्मी की कॉल आई थी, भाई घर आ गया है, उन्होंने कहा फौरन घर पहुंचो, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? मतलब गली में ही ड्रॉप कर देना। पर चलो, ओके चलो, चलो।
अल्लाह हू अकबर। उफ, सारा दिन ऑफिस में काम करके आओ ना, जान निकल जाती है। दोबारा ना आया हूँ तो ऐसा लगता है आप जाना ही है। कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? बस ठीक था। अरे क्या हुआ, खैरियत है? ज्यादा बात ही नहीं कर रही। हाँ वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैंने मेडिसिन ले ली है, अभी ठीक हो जाएगी। की बात है, आज ही ऑफिस वालों ने इतना सारा काम सौंप दिया मुझे, जैसे मेरे बगैर पहले ऑफिस चलता ही नहीं था इनका। पता नहीं क्या करते थे, ऊपर से हर बात पे टोकते हैं, ये मत करो, यहां मत जाओ, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, इससे बात नहीं करो। मुझे नहीं लगता इनके साथ ज्यादा दिन चलने वाली है मेरी, बहुत ही नखरे हैं। खैर मम्मी को कह रहा हूँ मेरे लिए चाय बना दे, तू पियोगी? मैं बना देती हूँ। अरे नहीं तुम आराम करो, फरजाना और अम्मी से कहूंगा वो बना देंगी।